खरगोन जिले के यातायात विभाग ने एक अनूठी पहल की है, जिसके अंतर्गत अब 3 सवारी और रफ एंड टफ चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। शहर में गुरुवार को यातायात विभाग द्वारा गायत्री मंदिर तिराहे पर वाहनों की पड़ताल शुरू की और चालानी कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस ने 2 पहिया वाहन पर सवार 3 लोगों पर चालानी कार्यवाही की। वहीं नंबर प्लेट सहित यातायात का उल्लंघन करने वाले चालकों पर उचित कार्यवाही की है। इस दौरान यातायात प्रभारी ने बताया कि व्यवस्था को सुगम बनाने और लोगों को समझाइश देने के नाम पर चालानी कार्यवाही की है, जिसमें निश्चित तौर पर यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये किस तरीके का चेकिंग अभियान चल रहा है? नंबर प्लेटों पे नंबर भी डल रहे हैं, 3 बैठ के सवारी जा रही है, इनको रोका जा रहा है। ये शहर में चेकिंग चल रही है, जिसमें नई उम्र के लड़के जो 3 सवारी चल रहे हैं, रफ गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है 3 सवारी की। और जिन वाहनों के ऊपर नंबर नहीं है, जो अभी लॉकडाउन के कारण नंबर नहीं लिखवा पाए हैं, जिनने वाहन खरीदे, उन वाहनों को रोक के यहाँ पर पेंटर की व्यवस्था की गई है। तो वो नंबर लिखवा रहे हैं और पेंटर को भुगतान वो खुद गाड़ी वाले स्वयं ही कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। और फोर व्हीलर में सीट बेल्ट संबंधी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी सर? ये कार्रवाई आगे लगातार चलेगी शहर में, और पिछले दिनों भी लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं जो लगातार कार्रवाई चल रही है शहर में, और आगे भी चलती रहेगी। दिन भर में कितने वाहनों की चेकिंग हुई? लगभग दिन भर में 30 से 40 वाहनों के ऊपर नंबर डलवाए जा रहे हैं अभी डेली। क्या शुभ नाम सर? यातायात प्रभारी मुकेश भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।